हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय वीडियो। आज का वीडियो को हमारा टॉपिक रहेगा ईएसीज में अगर प्रॉब्लम आ जाती है तो ईएसीज की प्रॉब्लम को हम फाइंड आउट कैसे करें कि हमारा फ्लाइट कंट्रोल खराब हो गया है या हमारी ईएसीज खराब हो गई है क्योंकि हमारी मोटर रन नहीं हो रही। तो मोस्टली ये प्रॉब्लम तब आती है या तो अगर आप जब उसको फ्लाई कर रहे होते हैं अपने क्वाड को, और अगर आपने एक्सेस लोड दिया हुआ है और बहुत देर तक आप उसको थ्रॉटल को हाई थ्रॉटल पे उसको फ्लाई कर रहे हैं, और वो भी आप उसमें फ्लाई करते समय फ्लिप कर रहे हैं या कुछ कर रहे हैं, तो उसमें हाई थ्रॉटल चाहिए होता है, तो उस दौरान भी ईएससी के मॉस्फेट्स बर्न हो जाते हैं। ईएससी पूरी बर्न नहीं होती, ईएससी के मॉस्फेट बर्न होते हैं। तो या क्या होता है कि जब बरसातों का मौसम होता है, मॉइस्चर का मौसम होता है, तो हम कभी भी अपने एफपीवी को फ्लाई करते हैं तो हम ग्राउंड उतारते हैं तो आसपास काफ़ी डस्ट होती है, तो डस्ट हमारी ईएसीस पे रह जाती है मिट्टी। और अगर मॉइस्चर हो और नमी हो हवा के अंदर, तो वो जो मिट्टी अगर आपकी ईएसीस पे पड़ी है वो आपको वो ईएसीस को ख़राब करने में उसका बहुत बड़ा रोल रहता है। तो कभी भी आप ईएससीज अगर आप एफपीवी में फ्लाई करते हैं तो टाइमली आप इन ईएससीज को एक बार निकाल के वॉश कर लें, तो उससे क्या होता है कि आपकी ईएससीज के ऊपर मॉइस्चर नहीं आएगा। तो चलिए, ये तो मैं थोड़ा सा बता रहा हूँ कि कैसा कर लेना चाहिए, वो आप लोग इसको देखें कि कैसे आपको फ्लाई करना है। और कई बार ऐसा भी होता है कि ईएससी अगर आपकी आसपास कोई भी वाटर बॉडी है और वहाँ पर अगर आपका क्वाड गिर जाता है तो ईएससी तब भी बंद हो जाती है, फ्लाइट कंट्रोलर भी बंद हो जाता है। तो इसके लिए मैं थोड़ा सा आज ईएससी में बात करने के लिए इसलिए है कि मैं ये आपको इस वीडियो के ज़रिए से बताना चाहूँगा कि ईएससी को हम चेक कैसे करते हैं, कि हमारा फर्स्ट स्टेप क्या रहता है कि हमारी मोटर्स नहीं चल रही। और तो पहले हम क्या करते हैं, पहले हम एक मल्टीमीटर ले लेते हैं कि अगर हमारी कोई भी मोटर नहीं चल रही है या मतलब हमें डाउट है तो डाउट क्लियर करना है। तो ईएससी चेक करने का क्या प्रोसीजर रहता है, पहले तो हमने मल्टीमीटर को रखना है बजर के ऊपर। तो आपको मालूम है कि ईएससी के ऊपर फोर मोटर्स हैं, एक मोटर यहाँ लगी हुई है, एक मोटर यहाँ है, और हर एक के तीन तीन पैड्स हैं। तो सबसे बढ़िया तरीका क्या होता है चेक करने का, पहले आपने नेगेटिव जहाँ से आपकी बैटरी कनेक्ट होती है वहाँ से आपने एक अपनी लीड जो है उसकी नेगेटिव पैड रखनी है, और फिर आपने सारे पैड्स को इंडिविजुअली चेक करना है, जितनी भी मॉस्फिट्स के आगे पैड्स लगे हैं सारे चेक करने हैं, किसी पे भी बजर की साउंड, जो हमारा मल्टीमीटर का बजर है उसकी साउंड नहीं आ रही है, तो मतलब कि हमारा नेगेटिव जो मॉस्फेट है, जो हमारा नेगेटिव वोल्ट हमारे इन पैड्स पे दे रहा है, वो मॉस्फेट लगभग ओके है। अब हमारे पास हमने लगाना है पॉजिटिव पे, फिर हम एक लीड हमने पॉजिटिव लगा दी और हमने अब फिर दोबारा से सारे पैड्स को चेक किया, जैसे मैं ये चेक कर रहा हूँ, तो अभी हमारे पास कोई भी मल्टीमीटर पे बजर की साउंड नहीं आ रही। तो इसका मतलब ये होता है कि जो हमारा जो मॉस्फेट है, जो हमारी पॉजिटिव सप्लाई देता है इन पैड्स के ऊपर, वो मॉस्फेट लगभग वो भी ठीक है। क्योंकि होता क्या है कि जैसे ये तीन पैड हैं, एक दो तीन, हर एक पैड के लिए, एक वायर के लिए दो मॉस्फेट्स लगे होते हैं। एक मॉस्फेट काम करता है पॉजिटिव सप्लाई के लिए, एक मॉस्फेट काम करता है एक तो नेगेटिव के लिए, एक पॉजिटिव के लिए, और ऐसे ही यहाँ पर तीन पैड हैं, तो इस पूरे तीन पैड के लिए टोटल जो मॉस्फेट होंगे वो होंगे छः। तो हर एक पैड पे एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव का मॉस्फेट होता है। तो ये तरीका रहा इस तरह से चेक करने का कि कोई भी अगर यहाँ शॉर्ट होगा, अगर मतलब कि अगर आपका बर्नट हो गया और वो विजिबल हो रहा है यहाँ से, अगर ब्लास्ट हो गया है, जल गया है, तो विजिबल हो गया, क्लियर हो गया कि मेरा ये मॉस्फेट हमारा ख़राब हो गया। पर अगर वो जला नहीं है, बर्नट नहीं हुआ और दिख भी नहीं रहा, तो ये तरीका रहता है बजर, इसको चेक करने का मल्टीमीटर पे बजर की साउंड
अगर वो शॉर्टिंग होगी तो बजर बच जाएगा। और दूसरा तरीका ये होता है कि ये जो पॉइंट्स होते हैं ESC के, ये पॉइंट्स हैं, ये सारे पॉइंट्स, ये आपको अगर आप ध्यान से देखेंगे आपको ये लगेगा ये सारे पॉइंट्स चार पॉइंट्स हैं और ये चारों पॉइंट्स अंदर से एक होते हैं। मतलब कि ये जो पॉइंट है ये वाला, ये जो पॉइंट्स हैं ये वाले, ये एक ही है, तो इसे हम कहते हैं ड्रेन। ये सब ड्रेन है। तो अब इसको दूसरी तरीके से चेक कैसे करते हैं, जैसे ये एक मॉस्फेट है और इसका जो ये जो ड्रेन पॉइंट है वो ये है, तो हम क्या करेंगे, हम या तो हम ड्रेन पर रख लेंगे, इस पॉइंट पर रख लेंगे अपने एक लीड को, और बजर इसका ये मॉस्फेट के पीछे से हम इसको चेक करेंगे। तो हमें अभी तक मल्टीमीटर में कोई भी बजर की साउंड नहीं आई, तो मतलब कि हमारा ये मॉस्फेट शॉर्ट नहीं है। ये सिंपल सा तरीका है कि हम मॉस्फेट शॉर्ट ढूंढने का। तो ये पहला तो आपको ने बताया, यहाँ से आपने सारा पैड चेक करने हैं, इस पर मल्टीमीटर में कोई बजर नहीं बजना चाहिए। और फिर मैंने आपको बता दिया कि ये ड्रेन है, यहाँ पर सोर्स और गेट है, ये शॉर्ट नहीं होने चाहिए इसके साथ में। तो ये तो ESCs का चेकिंग हो गया। अब ESCs ठीक हैं, सॉरी मॉस्फिट ठीक हैं और मॉस्फिट ठीक लग भी रहे हैं, और फिर भी हमारी ESCs पूरी जो ESC है वो ऑन नहीं हो रही, हमारी मोटर ऑन नहीं हो रही है या इंडिविजुअल कोई मोटर ऑन नहीं हो रही है, तो हम कैसे चेक करेंगे उसके लिए। तो पहले तो मैं बता देता हूँ कि इस पूरी ESC के अंदर होता क्या क्या है। देखिए इस ESC के अंदर तीन चीज़ें होती हैं, मॉस्फिट जो कि हमारी मोटर्स को रन करते हैं, और मोटर्स जो होती हैं वो AC पे रन होती है, मॉस्फिट DC को AC में भी कन्वर्ट करते हैं। और ये एक तो रहा मॉस्फिट, और दूसरा रहा प्रोसेसर जिसके अंदर हमारा फर्मवेयर फ्लैश होता है, बेल हेली S या बेल हेली 32। तो ये हमारा जो है जो फर्मवेयर है वो फ्लैश होता है। तो फर्मवेयर फ्लैश जो जो होता है, जैसे ये मेरे पास ESC जो है ये है SPDB की, तो इसमें मैं दिखा देता हूँ आपको, ये इसमें प्रोसेसर लगे हुए हैं, इसके अंदर ऑलरेडी फ्लैश है जो भी फर्मवेयर है, तो ये फ्लैश होके आता है। और ये चार इसके ड्राइवर्स हैं। पहले के टाइम में या अभी भी कुछ ESC ऐसी सिंगल वाली आती हैं जिसके अंदर ड्राइवर्स जो हैं वो ट्रांजिस्टर्स के, जैसे ये एक ड्राइवर लगा है तो ये तीनों के तीनों पैड्स को रन करा रहा है, मतलब कि छः मॉस्फिट्स को रन कराता है। और कुछ पुराने टाइम की ESC जो होती थी उसमें क्या होता था कि जो ड्राइवर्स होते थे वो ड्राइवर्स ट्रांजिस्टर उसकी जगह पे लगा होता था, हर एक इंडिविजुअल पैड के लिए एक इंडिविजुअल ट्रांजिस्टर, तो जो भी कमांड प्रोसेसर से आती थी वो ट्रांजिस्टर पे जाती थी, ट्रांजिस्टर से एक सिंगल पैड पे वो कमांड जाती थी, तो उससे वो रन, मतलब एक सिंगल मॉस्फिट पे वो कमांड जाती थी तो उससे ये मोटर रन होती थी। तो आज के टाइम में ये जो है ट्रांजिस्टर हटा दिए गए हैं और ये ड्राइवर्स लगा दिए गए हैं, ये ड्राइवर से ये मॉस्फिट रन होगा और एक ही सिंगल ड्राइवर से ये छः मॉस्फिट रन होते हैं और उससे ये आगे मोटर रन होती है। तो सिंपल सी चीज़ इसमें आपको मैं बता दिया कि सिर्फ तीन चीज़ें होती हैं, प्रोसेसर प्रोसेसिंग करने के लिए, ड्राइवर रन करने के लिए। ड्राइवर जैसे आप कोई भी चीज़ को, अगर किसी भी हैवी ड्यूटी चीज़ को आप रन करते हैं तो उसके लिए एक सपोर्टिव डिवाइस चाहिए होता है, तो हम उसको ड्राइवर कहते हैं। तो ड्राइवर, इसमें एक ड्राइवर लगा हुआ है जो ESC को रन करता है, ESC मोटर को रन करती है, प्रोसेसर है जो प्रोसेसिंग करता है, और मॉस्फेट है जो फाइनल स्टेज पे आके मोटर को रन करता है। और जो सिग्नल है वो हमारे को इस पूरी ESC के अंदर चार सिग्नल वायर्स होती हैं, जो चार सिग्नल वायर्स हैं वो हमारी आती हैं फ्लाइट कंट्रोलर से, जहाँ से जब हम अपने रिमोट से कोई भी कमांड देते हैं तो वो रिसीवर पे जाती है, रिसीवर से फ्लाइट कंट्रोल के प्रोसेसर पे जाती है, वहाँ से वो प्रोसेस होके इस ESC पे आती है, ESC पे आने के बाद हमारी मोटर्स को वो रन कराती है। तो ये पूरा का पूरा मैंने आपको ESC के बारे में बताया कि ESC में कितने सेक्शंस होते हैं, तो ESC में सिर्फ तीन सेक्शंस होते हैं। तो चलिए मैंने आपको बता दिया कि मॉस्फिट्स को चेक कैसे करना है। तो अभी हमारे पास ये ESC है, तो इस ESC के अंदर मॉस्फिट सारे ठीक हैं,
तो अब मॉस्फेट सब ठीक होने के बावजूद भी एसी हमारी ऑपरेट नहीं हो रही, तो हमें सिंपल सी दो चीजें करनी है कि हमने ये जो रेगुलेटर्स लगे हुए हैं, मैं दिखा देता हूँ आपको, ये रेगुलेटर्स हैं, एक ये लगा हुआ है, एक ये लगा हुआ है, एक ये लगा हुआ है। आपने चेक करना है कि इन रेगुलेटर्स के ऊपर, इनके आउटपुट के ऊपर वोल्टेज आ रही है कि नहीं आ रही, क्योंकि ये कई रेगुलेटर ऐसे हैं जो डायरेक्ट आपके 14 पॉइंट समथिंग वोल्ट, जो भी आप वोल्ट दे रहे हैं उसे चलते हैं, और कुछ रेगुलेटर्स ऐसे होंगे जो, जैसे कि इसमें पहले तो ये रेगुलेटर लगा हुआ है जो वोल्टेज को ड्रॉप डाउन कर रहा है, और ये ड्रॉप डाउन करके इस रेगुलेटर को दे रहा है, और ये रेगुलेटर 3.3 वोल्ट आगे इन प्रोसेसर्स को दे रहा है। तो अभी ये, जैसे मैं अगर वायर निकाल देता हूँ, सपोज करिए कि ये मैंने वायर निकाल दी, क्योंकि क्या हुआ है कि इसके अंदर यहाँ पर मेरा एक फ्यूजिबल रेजिस्टेंस लगा हुआ है, तो जो मैंने फाइंड आउट किया था, तो मेरा फ्यूजिबल रेजिस्टेंस यहाँ खराब था, तो फ्यूजिबल रेजिस्टेंस के यहाँ पावर आ रही थी, और पावर आउट फ्यूजिबल रेजिस्टेंस के नेक्स्ट पॉइंट पे पावर नहीं आ रही थी, तो इस जो रेगुलेटर आईसी के अंदर मेरी पावर नहीं जा रही थी। जब पावर नहीं जा रही है तो आउटपुट भी पावर नहीं आएगी, जब आउटपुट पे पावर नहीं आएगी तो मेरे पास जो आगे रेगुलेटर आईसी लगे हुए हैं, जिन्होंने प्रोसेसर को वोल्टेज ड्रॉप करके देनी है, उसमें पावर नहीं आएगी। तो अभी मैंने फाइंड आउट ये किया है इसके अंदर, कि जो आपने भी ऐसे ही करना है कि पहले आपने अगर एसी चेक करनी है, फिर उसके बाद जो आपके वोल्टेज रेगुलेटर है उनको चेक करना है। मोस्टली पहले तो आपको किसी भी एसी के अंदर फ्यूजिबल रेजिस्टेंस मिल जाएगा, अगर वो पानी में डूबेगा तो फ्यूजिबल रेजिस्टेंस पहले बर्नट हो जाएगा। तो इस केस में, इस वाली एसी केस में फ्यूजिबल रेजिस्टेंस था जो, वो बर्नट हो गया। तो फाइंड आउट किया कि ये बर्नट है, तो मैंने एक ये जो वायर है ये फ्यूजिबल रेजिस्टेंस के आगे से ले ली, और ये जो इस आईसी को हमारे वोल्टेज प्रोवाइड करवा दी। तो मैं अभी आपको दिखाता हूँ कि अगर ये फ्यूजिबल रेजिस्टेंस, अभी ये ओरिजिनल कंडीशन पे है कि हमारा जो रेजिस्टेंस है वो फ्यूज पड़ा हुआ है, ये रेजिस्टेंस फ्यूज पड़ा हुआ है, अभी हमारी कहीं और वोल्टेज नहीं जा रही, सिर्फ मॉस्फेट्स के अंदर वोल्टेज आ रही है। तो अभी मॉस्फेट्स को रन करने के लिए मैं आपको दिखाता हूँ कि अब हम कैसे करेंगे। ये मैं इसमें पहले एक बैटरी अटैच कर देता हूँ इसके अंदर, ये मैंने नेगेटिव, मैंने टेम्परेरी एक तार लगा रखी है, और ये मैंने बैटरी अटैच कर दी ईएससी के ऊपर, और अगर अब आप देखें कि अभी इसमें कोई साउंड नहीं है, मोटर के ऊपर कोई साउंड नहीं आ रही है, मोटर बिल्कुल बिल्कुल कुछ भी रिएक्ट नहीं कर रही है। तो अब मैं आपको दिखाता हूँ कि इस वायर को मैं, जब ये जो मेरी 14.5 वोल्ट या जो भी वोल्टेज आपकी एसी है, वो वायर अगर जब मैं इस रेगुलेटर में देता हूँ और वोल्टेज फ्यूजिबल रेजिस्टेंस के आगे से पास करता हूँ, तो ये एसी कैसे काम करेगी। तो चलिए मैं इसको पहले एक सोल्डर कर लेता हूँ। तो इसको मैं सोल्डर कर लेता हूँ बिल्कुल इस फ्यूजिबल कैपेसिटर के पास से, क्योंकि ये कैपेसिटर लगा हुआ है, और जो ये कैपेसिटर जो है, ये जो कैपेसिटर लगा हुआ है ये हर एक रेगुलेटर के पास में लगा होगा, तो यहाँ मेरी नेगेटिव सप्लाई आ रही है, तो यहाँ मेरी पॉजिटिव सप्लाई आ रही है, तो इसको मैं जोड़ लेता हूँ पॉजिटिव पे। ये मैं वायर को जोड़ रहा हूँ, आपको शायद दिख नहीं रही होगी क्योंकि बहुत बारीक से कनेक्शन है ये। तो अभी ये मैंने जो वायर है, ये जो मैंने वायर है ये मैंने फ्यूजिबल रेजिस्टेंस के आगे जोड़ दिया, मतलब कैपेसिटर के ऊपर जोड़ दिए। तो अब देखते हैं कि हमारी एसी काम करती है या नहीं करती है, क्योंकि अब हमारे पास जो वोल्टेज है वो सब जगह जा चुकी है। तो इसकी नेगेटिव हम नेगेटिव में डाल देते हैं और पॉजिटिव हम पॉजिटिव में। ये देखिए कि जब मैंने इसको कनेक्ट किया तो उसमें एक साउंड आई, मैं आपको दोबारा दिखा देता हूँ, ये देखिए। ये साउंड आई, तो अभी ये हमारी पावर इस पूरे एसी में जा चुकी है, हमारे प्रोसेसर जो जिस प्रोसेसर
प्रोसेसर के ऊपर हमारी वोल्टेज नहीं जा रही थी, क्योंकि ये जो रेगुलेटर लगा हुआ है और ये जो रेगुलेटर लगा हुआ है ये इन प्रोसेसर्स को पावर देता है। तो अभी हमारी पावर प्रोसेसर में जा चुकी है और हमारी ESC पूरी फंक्शनल हो चुकी है। तो अभी इसको एक तरीका है चेक करने का, हम इसको चेक कैसे करेंगे। तो चेक करने के लिए मैं पहले इसको पावर ऑफ कर देता हूँ। तो चेक इसलिए करते हैं कि अभी आपने बोर्ड पे अगर इसको लगाया और अगर आपके बोर्ड से सिग्नल चला गया और कोई भी मिस हैपनिंग हो सकती है, तो बेस्ट ये रहता है कि इसको हम बाहर ही एक बार चेक कर लें। तो जैसे कि आप जानते हैं कि ये जो वायर है इसके अंदर चार सिग्नल वायर आती है, चार मोटर की वायर आती है, नंबर 1 2 3 4 फोर वायर्स जो मोटर्स के लिए जाती है। तो पहले मैं इसको जोड़ देता हूँ। तो ये जैक मैंने इसमें कनेक्ट कर दिया है। तो अभी मैं पहले सिर्फ एक करते हैं हम एक काम कि इसमें मैं मोटर नंबर 1 को रन करवाता हूं, क्योंकि अभी मेरी जो ESC पे पैड पे मेरा जो मोटर लगी है वो मोटर नंबर 1 पे लगी है। तो मोटर नंबर 1 को हम लोग सिग्नल देते हैं, सिग्नल देंगे हम इस डिवाइस से। इस डिवाइस में मैंने सिर्फ क्या किया हुआ है कि इस डिवाइस में मैंने जो है ये डिवाइस से इस डिवाइस में हमने क्या किया हुआ है, सिर्फ हमने नेगेटिव पॉजिटिव दे रखा है और जो सिग्नल वायर है वो मैंने यहाँ से ओपन कर रखी है। तो सिग्नल वायर जो है मैंने यहाँ से ली हुई है। तो ये सिग्नल वायर को अब हम जोड़ देते हैं मोटर नंबर 1 पे। ये मोटर नंबर 1 पे मैंने सिग्नल वायर जोड़ दिए। तो मोटर नंबर 1 पे ये सिग्नल वायर हमारी कनेक्ट हो चुकी है। जैसे कि मैं आपको दिखा देता हूँ, ये मोटर नंबर 1 पे ये सिग्नल वायर यहाँ जुड़ चुकी है और अभी मैं इसको पावर दूंगा बैटरी से और फिर इस बार हम एक बार रन करके देखेंगे कि ये रन मोटर होती है या नहीं होती है। आपने ये जो नॉब है इसको बिल्कुल डाउन रखना है जब आपने बैटरी को कनेक्ट करना है। तो अभी मैं मोटर को एक बार पकड़ लेता हूं। थोड़ा सा मोटर हिल रही है, ये सब चीजें हिल रही हैं। तो अभी हम लोग इसको दोबारा डाल लेते हैं। तो चलिए अब फाइनली हमारी कनेक्शन बिल्कुल कायदे से हो गए हैं। तो अभी मैं इस मोटर को रन करता हूँ। ये देखिए ये मोटर रन हो गई और ये बंद हो गई, ये रन हो गई और ये बंद हो गई। तो अभी क्या हुआ कि हमारी मोटर नंबर 1 जो है वो बिल्कुल फंक्शनल है, मोटर नंबर वन का जो पैड है। तो ऐसे हमने सिग्नल वायर को एक भी एक बार उतार के, ये सिग्नल वायर को हमने इसको उतारना है, फिर मोटर नंबर 2 पे लगाना है, मोटर नंबर 2 को चेक करना है, फिर मोटर नंबर 3 पे लगाना है सिग्नल वायर को, फिर मोटर नंबर 3, फिर 4, फिर 4 को चेक करना है। तो ऐसे ही हमारे ये सारे जो हैं कनेक्शंस को हम चेंज करते रहेंगे और अपने सिग्नल वायर्स को सिग्नल देकर एक बार रन करा देंगे। तो उससे पता चल जाएगा कि हमारी ESC वर्किंग कंडीशन में है कि नहीं है। तो अभी ये मेरी जो ESC है ये वर्किंग कंडीशन में आ चुकी है। सिंपल से इसमें हुआ ये था कि ये पानी में गिरने के बाद यहाँ पर फिजिबल रेजिस्टेंस ऑफ हो गया था, वो कट हो गया था, और वो कट होने के बाद ये जो रेगुलेटर्स से इनके ऊपर सप्लाई आनी बंद हो गई थी और इन रेगुलेटर्स ने आगे इन रेगुलेटर्स को सप्लाई देनी बंद कर दी थी, क्योंकि ये रेगुलेटर्स प्रोसेसर को ऑपरेट करते हैं। तो ये रहा हमारा ESC का फॉल्ट। तो और भी कहीं फॉल्ट हो सकते हैं ESC के अंदर, जहां तक मुझे समझ में आया मैंने आपको बता दिया कि ESC का फॉल्ट यही रहता है और चेक करने का तरीका यही है। तो हर बोर्ड का अलग अलग रहता है, हर बोर्ड में अलग अलग ड्रॉप डाउन रेगुलेटर्स लगे होते हैं। तो आपने चेक करना है कि हमारे प्रोसेसर्स के लिए कौन सा रेगुलेटर लगा है या हमारे पास वोल्टेज जा रही है कि नहीं जा रही है। तो वैसे जो वोल्टेज नॉर्मल जाती है वो 3.3 या 3.9 के करीब करीब वोल्टेज प्रोसेसर्स को ऑपरेट करती है, क्योंकि डायरेक्ट 5 वोल्ट ऑपरेट नहीं करती, ना तो 14.5 वोल्ट ऑपरेट करती है। तो ये सब चीज़ें चेक करने वाली हैं, जब आप उसको फाइंड आउट कर लेंगे तो आपका ESC लगभग ठीक हो जाएगी। थैंक यू, बाय बाय।